फारसी जी ने कहा है लग्ना तिथ्यं सदा पूर्वम भाव आरंभ प्रजायते। लग्न से 15 डिग्री पहले से भाव शुरू हो जाता है और तिथ्यं से परतस्थस्य पूर्ति संधि चित उष्णतो और उससे 15 डिग्री आगे जाकर के फर्स्ट हाउस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से सारे के सारे हाउस निकाले जाते हैं और आगे क्या कहते हैं कि भाव आरंभ फलारंभ, जहाँ से भाव इनिशिएट हो जाता है वहाँ से ही प्लेनेट यदि उस हाउस में है तो उसका फल इनिशिएट हो जाएगा और जैसे जैसे वो भाव मध्य की तरफ कस्प की तरफ बढ़ेगा, जैसे भाव मिडल की तरफ बढ़ेगा, लग्न की डिग्री की तरफ बढ़ेगा या हाउस की डिग्री की तरफ बढ़ेगा, तो उसी तरीके से उसका जो फल है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते बढ़ते पीक पर पहुंच जाता है और जैसे ही भाव मध्य से फिसल करके खिसक करके शिफ्ट होकर के नीचे जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो वैसे ही वैसे उसका अमाउंट ऑफ इफेक्ट्स विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग और बिकम्स अगेन बिकम्स जीरो व्हेन इट अराइव्स एट द नेक्स्ट संधि। तो एक तो तरीका ये हुआ, इसी की मजाक उड़ा करके बहुत गुस्से में कमलाकर भट्ट ने सिद्धांत तत्व विवेक में कम से कम 500 साल पहले ये बात कही है कि मूर्खो दरई सोदर पूर्णार्थम, इतनी कठोर भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान होगा, जो ऑथेंटिक होगा। उसने कहा मूर्खो दरई सोदर पूर्णार्थम, इन मूर्खों ने अपना पेट भरने के लिए ये इस तरीके का तमाशा चलाया है जो बिल्कुल अनार्श है, नॉट सपोर्टेड बाय द सेजेस, नॉट सपोर्टेड बाय द आचार्यस, नॉट सपोर्टेड बाय द ट्रेडिशन, ये गलत है। इसलिए पाराशर जी ने सीधे पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में डिक्लेयर कर दिया, क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया कि भाई लग्नातिथ्यं चतई पूर्वम भावारंभ प्रजायते। और इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ, 10वीं शताब्दी में बड़ा अमीर के बृहद जातक के बड़े व्याख्याकार हुए भट्टोत्पल। भट्टोत्पल क्या कहते हैं कि नस्त जातक अध्याय की टीका में जब सवाल वो बताते हैं, रूल लगाया उन्होंने कि जब नस्त जातक अपने बारे में जो व्यक्ति है वो अपने भाई के बारे में सवाल पूछे तो कहाँ से देखें साहब, बेटे के बारे में संतान के बारे में पूछे तो कहाँ से देखें, पत्नी के बारे में पूछे या अपने पति के बारे में पूछे तो कहाँ से देखें, शत्रु के बारे में पूछे तो कहाँ से देखें। बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट भट्टोत्पल का है, अर्थ भ्रातु पृच्छति, यदि भाई के बारे में पूछ रहा है तो राशि द्वयम देयम, लग्न में दो राशि जोड़ करके जो लॉन्गिट्यूड आता है दैट लॉन्गिट्यूड विल बी कंसिडर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द थर्ड हाउस इन दैट पर्टिकुलर चार्ट। इसका मतलब है कि लग्न में एक एक राशि योग करके भट्टोत्पल एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद कहते अथ पुत्रस्य पृच्छति राशि चतुष्कम देयम, यदि बेटे के बारे में पूछ रहा है संतान के बारे में पूछ रहा है तो लग्न में चार राशि जोड़ करके पांचवा हाउस निकाल लीजिए, यदि शत्रु पृच्छति शत्रु के पूछ रहा है तो राशि पंचकम देयम, पांच राशि जोड़ करके निकाल लीजिए। बताइए इसे क्लियर कट साइटेशन कहाँ मिलेगा। तो ऑलवेज एज ए मैटर ऑफ रूल लग्न की राशि में ही, लग्न के लॉन्गिट्यूड में ही एक एक राशि जोड़कर सारे हाउसेज आते हैं, बाकी जो एक ट्रिगोनोमेट्रिकल डिवीजन हाउस डिवीजन है जो असमान जो अनइक्वल हाउसेज इसमें हो जाते हैं, किसी हाउस की स्थिति क्या हो जाती है कि किसी राशि को तो दो हाउसेज का लॉर्डशिप मिल जाता है, दो हाउस चल जाती है, कोई राशि ऐसी हो जाती है किसी भी खाने में होती नहीं, किसी भी हाउस में होती नहीं, ये स्थिति ऋषियों ने नहीं बताई। एक दूसरी बात सुनिए, जेमिनी में खुद पाराशर जी ने भी राशि दशा को बताया है जिनको जेमिनी ने बाद में एक्सटेंड किया है। जेमिनी की ओरिजिनल वो इन्वेंशन नहीं है, वो पाराशर जी की बेसिक इन्वेंशन है। पाराशर जी ने राशि दशा को बताते समय चरण दशा की दे दीजिए, मोस्ट पॉपुलर है आजकल बड़ा बिकाऊ माल है चरण दशा। तो चरण दशा में जब कैलकुलेशन की जाती है तो यदि इन अनइवन डिविजन ऑफ हाउस करेंगे, हाउस एक्सटेंशन करेंगे, ये उनका एक्सटेंड यदि अनइवन उसमें डिग्रीज में माना जाएगा तो किसी राशि की दशा तो आ जाएगी दो बार और किसी राशि की दशा एक बार भी नहीं आएगी। तो क्या ऐसी स्थिति कहीं होती है चंद दशा की किसी भी एप्लीकेशन में, कहीं क्या होता है कि 10 राशियों की दशा आ जाए, दो राशि एग्जम्प्ट हो जाए, बेचारे डिवाइड हो जाए, राशि लॉर्डशिप से दशा लॉर्डशिप से, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कल्पना की गई है ये कल्पना ही निराधार है और मूर्खता भरी है। एक और प्रमाण सुनिए, सत पंचाचिका में पृथ्वीशा वराहमीर के पुत्र जनाब फरमाते हैं मोह प्रश्न के प्रसंग में कि स्वांशे विलग्ने यदि वात्रकोणे स्वांश स्थित पश्यति धातु चिंता, स्वांशे विलग्ने यदि वात्रकोणे स्वांश स्थित पश्यति धातु चिंता, यदि लग्न में कोई ग्रह अपने नवांश में बैठा हुआ है, मोस्ट पर्टिकुलरली ही इज रेफरिंग टू जुपिटर ओनली,
स्वांशे में लग्न यदि वास्त कौन है, स्वांश में अपने नवांश में लग्न में कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो स्वांश स्थित पश्चिति धातु चिंतान त्रिकोण में बैठे हुए यानी पांच नौ में बैठे हुए जो अपने ही नवांश में बैठे हुए ग्रह हो उनको देखता हो तो कह दो कि मूक प्रश्न जो है जो आप मुझसे पूछने आए हैं किसी मेटीरियल के बारे में सवाल पूछने आए हैं, लिविंग बींग के बारे में आपका सवाल नहीं है। धातु चिंतान, धातु का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दुनियादारी के, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, जमीन है, जायदाद है, धातु है, जेवर है, जेवरात है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, इसके बारे में सवाल पूछने आए तो आप सीधे ये बात बता दीजिए उसको। तो मुझे ये बताइए कि लग्न में जो जोन सा नवांश उदित होगा उसी ग्रह का नवांश पांचवें घर में होता है, उसी ग्रह का नवांश नौवें घर में होता है। तो स्वांशे विलग्न अपने नवांश अपने अपने नवांश में बैठा हुआ लग्नस्थ ग्रह अपने ही नवांश में बैठे हुए पांचवें और नौवें ग्रह को देखे, ये पोजिशन तभी संभव हो सकती है जब लग्न में एक एक राशि जोड़ करके बारह हाउस को निकाला जाएगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, या तो प्रभुयशा ने झूठ लिखा अज्ञानतावश लिखा, या ये पद्धतिकार बहुत बड़े विद्वान है और बहुत बड़े समझदार है, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये रूल लागू कर दिया और उसको ब्लाइंडली लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं और आजकल के टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं। इससे बढ़कर के मूर्खता रेडिकुलस पोजिशन और कोई हो नहीं सकती। तो अगर संधि किसी का लग्न संधि में पड़ रहा है, किसी का जन्म जो है क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि संधि में यदि लग्न पड़ रहा है, यदि 29वीं डिग्री 30वीं डिग्री भी लग्न में है तो हर एक हाउस में 30वीं डिग्री आएगी, हर एक हाउस में 30वीं डिग्री आएगी। तो उस व्यक्ति के लिए जो लग्न होगा क्या उसका आधा प्रभाव एक राशि का आएगा, आधा प्रभाव एक, उसको किस तरह से एनालिसिस में कैसे? ये तो उस तरीके से होता है ना, जैसे दो राशियों की संधि में किसी का लग्न पड़ गया तो उसके व्यक्तित्व पर दोनों लग्नों का कुछ कुछ प्रभाव आएगा, लेकिन उससे हाउस डिवीजन अलग नहीं होता। एक बात और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें रह गई, लोगों को गलतफहमी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लैनेटरी एस्पेक्ट, वन इज भाव दृष्टि और सेकंड इज द राशि दृष्टि। राशि दृष्टि इज ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड इन द राशि चार्ट, दैट इज द लग्न चार्ट, द मोस्ट पॉपुलर लग्न चार्ट, एंड भाव चार्ट द चलित भाव चार्ट, यानी द्वादश भावों को स्पष्ट करने के बाद जो भाव चार्ट बनता है। तो जो ये पॉपुलर दृष्टि है, जो बहुत फेमस दृष्टि है कि शनि 3-10 में देखता है, 3-7-10 को देखता है, मंगल 4-7-8 को देखता है, बृहस्पति 5-7-9 को देखता है और बाकी सभी ग्रह सातवें घर को देखते हैं, आप देखिए कहीं भी क्लासिक में वहां राशि नहीं लिखा कि प्लैनेट सातवीं राशि को देखता है, प्लैनेट पांचवीं राशि को देखता है, प्लैनेट नौवीं राशि को देखता है, वहां हाउस का नाम लिया। पश्चिमते सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः, ये सारे ग्रह सातवें हाउस को देखते हैं और शनि जीव कुजा पुनः, और इसके बाद शनि बृहस्पति और मंगल इनकी स्पेशल दृष्टि होती है। विशेष तत्चतुर्दशा त्रिकोण चतुरस्तमान, विशेष तत्चतुर्दशा शनि की रेखा 3-10 में स्पेशल दृष्टि होती है, त्रिकोण त्रिदश त्रिकोण चतुरस्तमान, त्रिकोण में पांच नौ में बृहस्पति की दृष्टि होती है और चतुरस्तमान चौथे और आठवें मंगल की स्पेशल दृष्टि होती है। हाउस इसका नाम लिया है, वहां राशि का नाम नहीं लिया। इसका मतलब है कि हाउस की दृष्टि है और राशि की दृष्टि वही दृष्टि है कि चरम धनम बिना स्थापन, चर राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी सेकेंड हाउस की स्थिर राशि को छोड़कर अपने से नेक्स्ट स्थिर राशि को छोड़ करके जितने भी ग्रह चर राशि में बैठे हुए उनको देखेगा। स्थिर राशि अपने से पीछे वाली प्रीसीडेड राशि को छोड़ करके जितने भी स्थिर राशि है उनको देखेगा। दुस्वभाव राशि खुद को छोड़ करके बाकी जो तीन दुस्वभाव राशि है उनमें बैठे हुए प्लैनेट को और हाउस को देखेगी। तो राशि दृष्टि और भाव दृष्टि दो अलग अलग है, कम भी कम पर नहीं, कैसे इनका मिक्सिंग, कैसे इनकी खिचड़ी भानुमति का कुनबा कैसे पका ये कह नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अनधिकारी लोग जब जब शास्त्र में प्रवेश करने लगते हैं तब तब इस तरीके के बखेड़े खड़े हुआ ही करते हैं और आगे भी होते रहेंगे। सर इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, किसी का मेष लगन 1 डिग्री पे आ रहा है बर्थ टाइम पे, और अगर मंगल उसका 29th डिग्री पे पड़ रहा है तो मंगल का प्रभाव हमें चलित से देखना चाहिए या देखिए किस तरह से एनालाइज करना? जितना भी प्लैनेटरी इफेक्ट बताया शास्त्र में पाराशर जी ने या दूसरे किसी ग्रंथों में तारावली वगैरह में, वो दो तरीके का बताया, एक तो राशि स्थिति फल लिखा और एक भाव स्थिति फल लिखा। राशि स्थिति फल रिमेन्स इंटैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन अ पर्टिकुलर राशि, भाव स्थिति मे वेरी इन वन चार्ट टू अनदर। उसमें स्थिति क्या होती है कि जिस हाउस में प्लैनेट एग्जैक्टली बैठा हुआ है चंद्र कुंडली के हिसाब से
यानी एक 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 राशि जोड़ते हुए जो हाउसेज हमें मिलते हैं उन हाउसेज से 15 डिग्री पीछे चला गया तो सब्जी में है, 15 डिग्री आगे चला गया तो संधि में है। यदि उसी रेंज में पड़ रहा है तो उसी हाउस में कंसीडर किया जाएगा और उसका अनुपात निकाला जाएगा, उसका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा कि यदि इफ इट इज क्लोजर टू द हाउस मिडल, भाव मध्य के क्लोजर है तो मैक्सिमम इफेक्ट विल बी देयर, और जैसे जैसे वो इधर उधर शिफ्ट होगा तो उसी तरीके से प्रोपोर्शन द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट ओनली बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर हाउस विल ग्रेजुअली डिक्लाइन, प्रोपोर्शनली डिक्लाइन। इसमें एक राशि एक लग्न की मेष लग्न में 0 डिग्री पर लग्न है या 1 डिग्री पर लग्न है जी। और मीन में 29 डिग्री पर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल विल डिस्पर्स द इफेक्ट एज दैट इट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस ओनली, क्योंकि 15 डिग्री की रेंज में जो आ जाएगा वो उसी हाउस में कंसिडर किया जाएगा। तो 2 डिग्री का अंतर है हाउस मिडल से, उससे 1 डिग्री का अंतर है तो वो बिल्कुल क्लोजर टू द हाउस मिडल है, इसलिए हाउस में लग्न में बैठे हुए का फल देगा, फर्स्ट हाउस का इफेक्ट देगा। हाउएवर द राशि इफेक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय द पाइसेस, मतलब पोजिशन इन द पाइसेस ओनली। राशि मीन राशि में बैठने का जो फल है मंगल का वो राशि का फल वही मिलेगा, लेकिन हाउस में कंसिडर किया जाएगा फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस में मंगल बैठने से जो मंगली योग या दूसरे जो कोई योग बनते हैं जो इफेक्ट अच्छे या बुरे आते हैं वो सब उसी तरीके से उसके होंगे। और संधि जो है इसकी राशि से मानी जाएगी या चलित पे जो संधि 15 डिग्री ऐड करके लगन वही का वही, वही संधि होती है जो हाउस कस्ट निकालते हैं, हाउस कस्ट मिडल निकालते हैं या संधि निकालते हैं या एक्सटेंशन ऑफ हाउस फ्रॉम टू जो निकालते हैं वो उसी तरीके से एक एक राशि जोड़ करके निकलेगा 5 डिग्री लॉन्ग। यही बात उन्होंने कही और एक और किताब में भी है संधि, वो दूसरा श्लोक मुझे याद नहीं है, उसका एंडिंग लाइन है संधि राशिर वियोजनार्थ, राशि का आधा यानी 15-15 डिग्री जोड़ करके लग्न में संधियां निकलती हैं और एक राशि जोड़ करके वो लग्न निकलता है। लग्न हाँ लग्न वृद्धकारिका है, ये जर्मनी में जर्मनी के विषय में वृद्धकारिका और बहुत सारी वृद्धकारिका है पाराशास्त्र में भी आई हुई है। वृद्धकारिका का मतलब है कि वो इस तरीके के श्लोक जो आम जनता में पॉपुलर थे, मुहावरे के तौर पर, प्रोवर्ब के तौर पर, वाग्धारा के तौर पर, लोकोक्तियों के तौर पर, फ्रेजेज के तौर पर वो थे, वो जो प्रसिद्ध थे जिनको मुंह जमानी लोग बोला करते थे और वो बाद में पाराशरोह शास्त्र में भी आ गए या किसी शास्त्र से लिए होंगे। तो उसमें लग्नम आरभ्य सर्वत्र, लग्नम लग्न से शुरू करके सर्वत्र यानी सब जगह एज ए मैटर ऑफ रूल लग्नम आरभ्य सर्वत्र राशि वृद्धा यथाक्रमम, राशि वृद्धा यानी एक एक राशि बढ़ाते हुए यथाक्रमम क्रमशः क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली एक एक राशि बढ़ाते हुए भावा सर्वे गंतव्या सारे हाउसेज हमें मिल जाएंगे और संधि राशि वियोजना और संधियां जोड़नी है ज्ञान करना है तो 15-15 डिग्री जोड़ते जाइए लग्न में, बिल्कुल क्लियर कट मध्यकारिका में कहा। पाराशर जी ने खुद कह दिया कि तिथ्यं से ही लग्ना तिथ्यं से पूर्व भावारंभ पुजारी के सीधी सीधी बात कह दी पाराशर शास्त्र में, इसके बाद बचता क्या है, पाराशर से ऊपर जेमनी से ऊपर या इन वृद्धकारिकाओं से ऊपर कोई ऑथोरिटी हो तो आए और बताए हमें कि ऐसा कौन सा रास्ता है भाई। और एक बात और बता दूं इसी विषय में, सबसे पहला जो इक्वल मॉड्यूल था ये हाउस का प्लेटो ने बताया था, यूनानी एस्ट्रोनॉमर जो प्लेटो था प्लेटो को इक्वल वाला डिवीजन ही स्वीकार्य था, जितने हमारे पुराने शास्त्र हैं उनमें इक्वल डिवीजन ही बताया गया है। ये बाद में रेजी बोल्टियस और पता नहीं क्या क्या जो तमाशे आए हैं ना ये बाद में आए हैं जब उसमें अतिरिक्त मैथमेटिक्स घुसाने की कोशिश की। और फिर सवाल ये उठता है, आप मुझसे ये सवाल पूछ नहीं रही हैं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि जब उस मध्य लग्न की जो वो मिड हिवन है आपका, जो MC है आपका, जो आपका मीडियम कॉली है, वो मीडियम कॉली कहाँ जरूरत पड़ती है उसकी, फिर उसको बताया क्यों सिद्धांत ग्रंथों में, उसको बताया इसलिए है इस समय ग्रहण की कैलकुलेशन करनी होती है क्योंकि सूर्य चंद्रमा के जो ग्रहण है वो जियोसेंट्रिक पोजीशन से कैलकुलेट किए जाते हैं और उनकी विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी के लिए लोकल होराइजन को, लोकल राइजिंग और सेटिंग पोजीशन को देखी जाती है, इसलिए मिड हिवन से वो कैलकुलेट किया जाता है। सूर्य सिद्धांत में सूर्य चंद्र ग्रहणाधिकार में ही मध्य लग्न को बताना निकालना बताया गया, तो इससे सिद्ध होता है कि वो मध्य लग्न और त्रिभुवन लग्न त्रि भ उन त्रि थ्री भ राशि उन कम
तो तीन राशि कम होता है ऑलवेज, जो लोकल होराइजन पर होता है, और दैट इज द शिरो बिंदु। हमारे सर के ऊपर से यदि परपेंडिकुलर डाला जाएगा ऊपर से विधिवन से हमारे सर के ऊपर, तो दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट द 10th हाउस फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो लग्न हम निकालते हैं लोकेलिटी के आधार पर, लोकल होराइजन के आधार पर, और 10th हाउस निकालते हैं जियो सेंसर के आधार पर। वाह वाह क्या तमाशा है, इससे बढ़िया मजाक और दुनिया में हो नहीं सकता ज्योतिष के बारे में। इससे ज्यादा स्पष्ट आई डोंट नो अबाउट द व्यूअर्स, पर मैंने इससे ज्यादा स्पष्ट एक्सप्लेनेशन इसके बारे में आज तक ना सुना है ना पढ़ा है। ये बहुत अच्छी तरह से आपने इस चीज को क्लैरिफाई करा है इन अ वेरी सिंपल वे, और ये जो स्टेटमेंट एंड में आपने समराइज करी कि आप दो विधियां एक ही कैलकुलेशन पे नहीं लगा सकते हैं, इट हैज टू बी आइदर दिस और आइदर दैट, इट हैज टू बी वन एप्लीकेशन। बस इसी बात हम तो बता दें, वो एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन और उसके अमरीश पुरी की, पता नहीं कौन सी थी, वो अंधा कानून। तो अंधा कानून में वो मरने के बाद वो जिंदा पकड़ा जाता है, जिसकी सजा वो बेचारा काट चुका होता है अमिताभ बच्चन। बाद में उसको जज को कहता है कि आप एक ही जुर्म की दो सजा मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि इसको मारने की सजा मैं पहले ही उम्र कैद काट चुका हूँ, अब तो मैं अब मारूंगा इसको, और आप मुझे सजा नहीं दे सकते क्योंकि आदमी तो 14-15 साल पहले मर चुका है। तो ठीक उसी तरीके से एक जगह पर दो दो रूल कैसे अप्लाई करेंगे, यदि किसी प्रिंसिपल ने बच्चे की शरारत करने पर उसको उसके ऊपर फाइनेंशियल जो है पनिशमेंट दे दिया, उसको फाइनेंशियल जो वो फाइन उसके ऊपर लगा दिया, तो उसके बाद उसको रस्टिकेट कैसे करेगा, उसको एक्सपल कैसे करेगा। तो एक ही जुर्म की दो सजाएं नहीं होती, तो उसी तरीके से एक ही रूल एक जगह पर दो दो रूल तीन तीन रूल लागू नहीं होते, कि एक कपड़ा जब हम बनाएंगे कोर्स बनवाएंगे तो पतलून किसी और कपड़े की बनवा लें और पैंट किसी और की बनवा लें, ब्लेजर तो चल जाएगा सूट नहीं चलता। इसी तरह से मिसकंसेप्शंस वाला अगर हम जारी रखें डिस्कशन, तो वक्री ग्रहों के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ रॉन्ग कम्युनिकेशन, कुछ राइट कम्युनिकेशन, तो उससे भी काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि वक्री ग्रह के इफेक्ट्स क्या होते हैं। और क्लासिक्स में भी काफी कोट करा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे वो पीछे हाल ही में भी बात हो रही थी कि क्या नीच का वक्री ग्रह उच्च के इफेक्ट देता है, उच्च का वक्री ग्रह नीच के इफेक्ट देता है, और वक्री ग्रह जीव सुख में कमी करेगा, लेकिन हम आयुर्वेद में देखते हैं कि 3 गुना उसको बल दिया जाता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं ये सारी बातें वक्री, तो वक्री ग्रह को स्टडी, जो क्वेश्चन है वक्री ग्रह को स्टडी करना हो तो उसके किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए उसको स्टडी करना चाहिए, और उसके रिजल्ट किस किस प्रकार के आते हैं। ग्रहों की आठ गति बताई गई है, आठ गति में वक्र अनुवक्र वक्रानुवक्रा कुशीला शीघ्रा शीघ्र तराश्रमा मंदा मंद ग्रहणा मंदा मंद तरा गया ग्रहणा मस्तधा गति, ये ग्रहों की आठ प्रकार की गति है। तो बड़ा सीधा सा रूल है कि कोई भी जो आउटर प्लेनेट है वो तभी वक्री होता है जब सूर्य के ठीक सामने आ जाता है, और अपने ऑर्बिट के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर्स में, जब सेकंड क्वार्टर में आता है तब उसकी वक्र गति शुरू होती है, अपने ऑर्बिट के कह रहा हूँ, और रेकनिंग फ्रॉम इट्स मंदोच यानी इसके अपोजी से शुरू करके जो चार क्वार्टर बना है इसके ऑर्बिट के, उस ऑर्बिट में सेकंड क्वार्टर में ही ग्रह वक्री होता है। और ये यूनिवर्सल रूल है, ये नेचर का रूल है, इसमें हमारा आपका या ग्रह का वच नहीं है, वो सेकंड हाउस में ही सेकंड क्वार्टर में आकर के ही वक्री हो सकता है, और थर्ड क्वार्टर में जा करके वो वक्री अपनी गति छोड़ देता है, मार्गी हो जाता है। और जब अपनी अपोजी पर आता है तो अपोजी पर आने पर उसकी गति भी धीमी होती है, स्लो मोशन में होता है, और वो सदा मार्गी होता है। इसका एग्जांपल आप बुध और शुक्र को ले सकते हैं, जो इन्फीरियर प्लैनेट्स हैं, इन्फीरियर प्लैनेट्स जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होते हैं तो उस समय वो सूर्य के ठीक सामने होते हैं, इसलिए उनकी गति भी बहुत तेज होती है। आउटर प्लैनेट भी जब सूर्य के ठीक सामने होते हैं तो अपनी गुरुत्वाकर्षण के अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैक्सिमम गति वो ऑब्टेन करते हैं, वो उस समय बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। और बड़ा सीधा सा अर्थ है कि जिस ग्रह के अंदर गति है, जिस ग्रह के अंदर एक्शन है, जिस ग्रह के अंदर वेलोसिटी है, उस ग्रह के अंदर इफेक्ट ज्यादा है, उस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। जितनी तेजी से पत्थर हम फेंकेंगे, न्यूटन का रूल है, उतनी तेजी से इफेक्ट आएगा, उतनी तेजी से उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। इसलिए जितनी तेजी से गति चल रहा होता है उतनी तेजी से इफेक्ट उसका पृथ्वी पर आता है। तो इसलिए पाराशर जी ने कहा कि ग्रह पूर्णम फलम दद्यु सूर्या सप्तम के स्थिता, सूर्य से सातवें घर में जब ग्रह होता है,
जाहिर है कि वो आउटर प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, गुरु शुक्र तो सातवें घर में हो नहीं सकते। तो ग्रह पूर्णम फलम दद्यु सूर्यास्त सप्तम के स्थिता, सूर्य से सातवें घर में जब ग्रह होते हैं या आउटर प्लैनेट होते हैं तो उस समय मैक्सिमम फल देते हैं। पूर्णम फलम दद्यु, तब इनके हिस्से में जितना फल आता है वो पूरा फल देते हैं। इसका मतलब है कि सेवंथ हाउस में जब अति वक्री होता है ग्रह, जिस समय बहुत तेजी से चल रहा होता है, उस समय उनका इफेक्ट भी बहुत तेजी से आता है। और बहुत तेजी से चलने पर यदि हम बहुत फोर्स के साथ, बहुत गुस्से के साथ, बहुत एक्शन के साथ, हम बहुत प्रोएक्टिव होकर के किसी एक्शन को करेंगे, हम किसी चीज को झटके के साथ उठाएंगे, तो उसमें रिस्क भी हो सकता है, वो चीज हमारे हाथ से छूट के गिर भी सकती है हमारे, और हम उसको कस के पकड़ भी सकते हैं, दोनों ही पोजिशन हो सकती है। तो ऐसी जगह पर आकर के ग्रह का जो इफेक्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ये स्थिति जो बताई उत्तर कालामृत में कि नीच का ग्रह उच्च का फल देता है, उच्च का ग्रह नीच का फल देता है, ये अप टू सम एक्सटेंट इज हाइपरबोलिक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसी जगह पर आकर के जब अति वक्री हो जाता है तो उस समय वो ग्रह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। उस समय वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा कह नहीं सकते कि किस तरीके का फल देगा। तो वो जो शॉर्ट पीरियड उसका होता है, प्रैक्टिकली कहें तो ट्रांजिटिंग इन द सेवंथ राशि फ्रॉम द सन, सन से जब सेवंथ हाउस में होगा उस समय वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। तो उस समय उसका पूरा फल अच्छा या बुरा जो भी कुछ होगा वो बड़ी तेजी से, बड़ी रैपिडली आएगा, बड़े जोर शोर के आएगा, विद पॉम्प एंड शो, तो उस स्थिति में। लेकिन छठे आठवें में जो होता है तो वक्र गति अति वक्री से धीमा हो जाता है, आठवें में अति वक्री नहीं होता, और पांचवें नवें में कुटिला गति होती है उसकी। तो कुटिला गति का मतलब है कि वो स्टैंड स्टिल होता है उस समय, आमतौर पर उसकी गति बहुत धीमी होती है। ठीक उसी तरीके से जब बैक गियर में कार डालते हैं तो उस समय कार की गति बहुत कम हो जाती है, चाहे कितनी स्पीड से आ रहा हो, और जब फिर सीधी रियर गियर से निकालते हैं तो फिर स्पीड पकड़ती है कार। ठीक उसी तरीके से रियर गियर में से निकल करके जब थर्ड क्वार्टर में हाफ को ऑलमोस्ट हाफ को पार करके आगे बढ़ता है तो वो मार्गी गति होती है और धीरे 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 वो तेज गति पकड़ लेता है, नॉर्मल गति आ जाती है। तो क्योंकि मिनिमम आ चुकी थी इसलिए वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल जो एवरेज गति है उस तरफ जाएगा। तो पाँचवें सूर्य से पाँचवें नवे में है वक्री ग्रह है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल है। सिक्स एट्थ में है तो बहुत अच्छा है, राजयोग कारक है, अति वक्री है, अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी अच्छा भी फल दे सकता है, कभी बुरा भी फल दे सकता है। सारावली सीधी कहती है कि जिसको चेष्टाबल मिला होता है, और चेष्टाबल मैक्सिमम तभी मिलता है जब सूर्य सेवंथ हाउस में होता है, जिस समय उसको मैक्सिमम चेष्टाबल मिला होता है तो उस ग्रह के बारे में कह नहीं सकते, क्वचित विचित्रम, कहीं धूप कहीं छाया का फल देता है, चित्र विचित्र फल देता है, अनोखा फल देता है। इसी बात को थोड़ा हाइपरबॉलिक तरीके करके उत्तर कालामृत में कह दिया कि उच्च ये उच्च राशि में नीच का फल देगा और नीच राशि में उच्च का फल देगा। इस बात को सारावलीकार ने समझा था, और सारावलीकार ने कल्याण वर्मा ने सीधे कहा कि उच्च राशौ विलोमे यत्, उच्च राशि में जो विलोम माने रिवर्स इफेक्ट जो लोग कहते हैं क्वचित, उच्च राशौ विलोमे यत् फलई जो नान्ये इहेच्छति, जो दूसरे लोग कहते हैं वो न, वो नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, वो तस्मात् स्वोच्चेत वक्रिते, जिस समय अति वक्री ग्रह होता है उस समय ही उसका वो फल थोड़ा सा तिलमिला जाता है, थोड़ा सा डगमगा जाता है, कह नहीं सकते कि किस करवट रूप बैठेगा। तेजी से ऊपर से कोई आठवीं मंजिल से कोई सामान नीचे गिरा, हम कह नहीं सकते कि वो कहाँ जाएगा, हम नीचे जाकर के चूर चूर हो जाएगा, या बीच की किसी मंजिल में किसी जगह पर अटकाव मिल जाए, वहां पर अटक करके रुक जाएगा, कह नहीं सकते। पहाड़ी पर से गिरे हुए आदमी की जिसमें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ जाकर के रुकेगा, ये कह नहीं सकते। तो ठीक उसी वाली वही पोजिशन अति वक्री पोजिशन में होती है। तो ये जो एक्सेप्शन आप बोल रही है कि उच्च राशि में नीच का फल और नीच राशि में उच्च का फल, ये केवल लागू होता है जिस समय ग्रह अति वक्री अवस्था में होता है, अदरवाइज लागू नहीं होता। और वक्री ग्रह को आयुदाय में तीन गुना माना, तीन गुना आयु देता है। यदि उसके 10 साल आयु के आ रहे हैं अंदर जनरल सर्कमस्टांस या जनरल असेसमेंट से, तो उसको तीन गुना कर लीजिए। और यदि वक्री ग्रह को सर्व से ज्यादा चेष्टा बल मिलता है, और चेष्टा बल ही सबसे बड़ा बल होता है ग्रह का, सूर्य चंद्रमा के अलावा, क्योंकि वो तो वक्री होते ही नहीं, सूर्य चंद्रमा के अलावा मंगल आदि पांचों ग्रहों का जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव बल है, दैट इज द चेष्टा बल। तो चेष्टा बल डायरेक्टली पर्टेन्स टू दियर मोशन, रेट ऑफ द मोशन। तो रेट ऑफ द मोशन, जब रेट ऑफ द मोशन जब हायर है तो उस समय उसका इफेक्ट भी हायर है। और जब बहुत हायर हाइट पर आदमी पहुंच जाता है, बहुत मैक्सिमम पीक पर पहुंचा हुआ है, तो उस समय कह नहीं सकते कि वो गिर भी सकता है हवा से। कुतुब मीनार की चोटी पर यदि आदमी खड़ा हुआ हो तो कह नहीं सकते हवा का झोंका कभी उसे नीचे गिरा देगा या कभी वहां पर संभला रहेगा।
तो इसीलिए वो अनप्रेडिक्टेबल बताया, तो वो विलोम नहीं है, उसका मतलब है अनप्रेडिक्टेबल, अनएसेसिबल, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और दैट इज ऑनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, वो बहुत थोड़ा पीरियड होता है जितने समय में रहता है। यही बात बुध शुक्र पर लागू होती है, इसीलिए कहा कि बुध शुक्र को अस्त होने का दोष कम से कम लगता है कुंडली में, और मोस्ट पर्टिकुलरली बुध को कम से कम दोष लगता है, क्यों, क्योंकि बुध तो साल में दो तीन बार बकरी होता है, और जब इसकी इन्फीरियर युति होती है उस समय बकरी होगा और अस्त होगा, तो इसलिए बुध जब अस्त होगा वो बहुत थोड़े पीरियड के लिए अस्त होगा, उस दौरान इसका अस्त होने का फल, अस्त होने की वजह से इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अस्त होने के विषय में एक बात अपनी तरफ से बता दूँ कि जब अस्त होता है कोई ग्रह, तो अस्त होने के बाद जिस हाउस में बैठा हुआ है प्लैनेट उस हाउस को थोड़ा सा डैमेज करता है, जिस हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, जिस हाउस का लॉर्ड बन के आया हुआ है, जिस हाउस की लॉर्डशिप उसके पास है, उन हाउस के अच्छे या बुरे जो भी फल है वो इंटैक्ट रखेगा, उसकी हाउस लॉर्डशिप इंटैक्ट रहती है कंबस प्लैनेट के भी, लेकिन जहां बैठा हुआ है कंबस प्लैनेट उस हाउस को थोड़ा बहुत डैमेज करेगा अप टू सम एक्सटेंट। इसको इस तरीके के एग्जाम्पल समझिए कि कोई आदमी कोमा में पड़ा हुआ है और उसके नाम से 101 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो चुकी है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो उसका ऑनरशिप खत्म नहीं हो जाता अंटिल ही डाइस। उसके कारकत्व जो है सिग्निफिकेशंस, नॉट हाउस सिग्निफिकेशंस, प्लैनेट के जो ऑल सिग्निफिकेशंस, ऑल ऑफ देम आर इंटैक्ट, विल इंटैक्ट, विल रिमेन इंटैक्ट। जीव सुख की कमी आती है, विल रिमेन इंटैक्ट। लेकिन सूर्य के साथ बैठ करके मरकुरी को अस्त होने का दोष नहीं लगता, उन्होंने कहा कि अस्त है मार्गी होगा तो बकरी होगा, तो वक्री होने पर ही इन्फीरियर युति होती है। इन्फीरियर युति होने का मतलब है कि उस ग्रह का जो बिंब है, जो डिस्क है, वो ग्रेटर देन एवरेज, वो बड़ा होता है क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक होता है, और जितने ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है उनका मेजर इफेक्ट हमारे नेटिव्स पर आता है, ये हम मानते हैं। चंद्रमा का प्रभाव इसलिए सबसे ज़्यादा माना था, उसको समझे कंसिडर करते हैं। तो जब ग्रह वक्री होकर के और सूर्य के सामने आता है, तो उस समय सूर्य के सामने आने का मतलब है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने की वजह से ही उसकी गति हमें तेज दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता हुआ हवाई जहाज हमें स्टैंड स्टिल दिखाई पड़ता है, लेकिन जब बिल्कुल नज़दीक आया हुआ नीचे थोड़ा लोअर स्पेस स्काई में उड़ता हुआ हवाई जहाज हमें बहुत बड़ा और बहुत तेजी से भागता हुआ नजर आता है, लेकिन स्पीड उसकी वही रहती है, हो सकता है उससे ज़्यादा होती है ऊपर, लेकिन वो धीमा चलता हुआ नजर आता है, तो ये हमारी नज़र का धोखा होता है। पृथ्वी में गति है इसलिए सारी गतियाँ वो दिखाई पड़ती हैं, अगर पृथ्वी में गति नहीं होती, पृथ्वी रोटेट नहीं करती, तो वो गति दिखाई नहीं पड़ती, कोई भी ग्रह बकरी नहीं होता, सारे ग्रह मार्गी होते। तो उसका द्वादशेष गुण था, और द्वादशेष गुण अस्त होकर के सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, तो द्वादशेष गुण जब सप्तम हाउस में आ गया तो द्वादशेष का इफेक्ट आ गया उसके ऊपर, वो द्वादशेष के फल देगा, द्वादश स्थान का फल देगा, मतलब लॉसेस, लॉस ऑफ एवरीथिंग, सर्व व्यय स्थान है वो, सब चीजों का व्यय स्थान है, सब चीजों का खर्च होने का स्थान है, रुपया पैसा धन संपत्ति जायदाद जमीन रिलेशनशिप हेल्थ और लाइफ, इन सब का उसको लॉस हो सकता है, इन सब में कमी आए। बुध की दशा में वो फल आया, सेवंथ हाउस में बैठा है अस्त होकर के, सेवंथ हाउस में स्पाउस बीमार हो गया, सेवंथ हाउस स्पाउस से कंटेनिंग, उसके बाद ट्वेल्थ हाउस लॉस का है, तो जैसे ही मरकुरी की दशा शुरू हुई लॉस होने शुरू हो गए, और लॉस होते हैं, इसका मतलब है कि सेवंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस का इम्पैक्ट है वो दे रहा है, सेवंथ हाउस का इम्पैक्ट अस्त होकर के वहाँ बैठा हुआ तो उसको डैमेज कर रहा है, लेकिन कम डैमेज कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको अस्त होने का बुध को दोष नहीं लगता। यदि यही ग्रह बृहस्पति होता, यदि यही ग्रह मंगल होता, यही ग्रह शनि होता, तो उसके कारकत्व तो अधिक नष्ट होते। वेद में एक जगह आया है कि दिशो धेनवा, दिशाएं धेनु है, दिशाएं गाय है, चंद्र सासाम वत्सा, चंद्रमा उनका बछड़ा है,
और सूर्य के गोद में बुध और शुक्र दोनों खेलते हैं। बुध और शुक्र दोनों सूर्य के गोद में खेलने वाले बच्चे हैं। इसमें क्या है, यदि आप देखेंगे एक नर्सरी की वो पोयम में बच्चे गाते हैं, जैक एंड जिल वेंट अपॉन ए हिल, उसमें आगे मुझे याद नहीं है, वो एक तो थोड़ा दूर तक पहाड़ी पर चल जाता है लेकिन एक थोड़ा जल्दी ही नीचे खिसक जाता है। ध्यान से देखिए, सन के दो बेटे हैं जैक एंड जिल, एक मरकुरी एक वीनस है, उनमें से एक सन से बहुत दूर जाता है लेकिन एक आधे रास्ते में जाकर के खिसक करके नीचे स्नेक और लैडर की तरह नीचे आ जाता है, वो मरकुरी है। तो जो प्लैनेट बहुत दूर जाता है, 47 डिग्री का और 28 डिग्री का वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लोगों को मालूम ही नहीं कि आजकल ये कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। लकीब के लकीब पीटते जाइए, आज किसी भी एफ मरीज को